दोस्तों नेपाल में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल स्पैन सस्पेंशन फुट ब्रिज जो कि है बगलुंग पर्वत ब्रिज। लेकिन पुर्तगाल जिसका नक्शा नेपाल के नक्शे से थोड़ा मिलता जुलता ही है, वो एक ऐसा ही ब्रिज बना रहा था और दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेपाल ने उसके इस ब्रिज पर पानी फेर दिया। क्योंकि जब तक पुर्तगाल ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और इसको फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन उससे पहले ही नेपाल ने कुसुम से बगलुंग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए काली गंडकी रिवर पर बना है 567 मीटर लंबा सिंगल स्पैन सस्पेंशन ब्रिज। और पुर्तगाल का ओर्का ब्रिज जो कि बन के तैयार हुआ 2021 में, वो 516 मीटर का था। लेकिन आज भी पुर्तगाल बोलता है अपने ब्रिज को दुनिया का सबसे लंबा सिंगल स्पैन ब्रिज, पर हकीकत यह है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक्स में नेपाल का ब्रिज है दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज, जो कि जुलाई 2020 में बनकर तैयार हो गया था। और पुर्तगाल अपने ब्रिज को बनाता ही रह गया और बाजी मार दी नेपाल ने। इसको लेकर पूरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।